कोई ऐसा तरीका हो जिससे आप अपनी साधारण मच्छरदानी को सुपर मच्छरदानी में कन्वर्ट कर सकें, जिससे मच्छर अंदर घुसना तो क्या, पास फटकना भी छोड़ दें। मक्खियां, खटमल, जू, फ्ली इत्यादि ये सारे कीड़े मकोड़े आपसे दूर रहें और आप एक चैन की नींद सो सकें। और ये टेक्निक आप घर में खुद कर सकें। तो ऐसा कैसे होगा, आइए जानेंगे आप आज के एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्रद्धा, आपकी सेहत आपके हाथ में, आपका स्वागत है। गर्मी और उमस, ये दोनों फैक्टर्स जब मिलते हैं तो बहुत से जीव जंतु, कीड़े मकोड़े इसमें पनपने लगते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो हमें आजकल परेशान कर रही है वो है मच्छर। अगर घर में बहुत सारे मच्छर हों तो रात में सोने में बहुत परेशानी होती है। हालांकि बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं, सबसे जरूरी चीजें जो हम कर सकते हैं वो हैं अपनी खिड़की दरवाजों में नेट लगवा लेना, जो हम सबको कर लेना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्प्रे हैं, लोशन है, मैट हैं, कॉइल्स हैं, ये सारी चीजें हमें मच्छरों से बचाने में कुछ हद तक मदद कर देती हैं। लेकिन फिर भी ना जाने कहाँ से मच्छर आ जाते हैं। पूरा देश हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे गड्ढे हैं। हालांकि गड्ढों को भर देना, कूलर्स को खाली करते रहना, सुखाते रहना, अपने आसपास पानी ना जमा होने देना, ये सारी चीजें बहुत इफेक्टिव हैं, ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चैन से नहीं सो पा रहे हैं, आपको मच्छर काटते रहते हैं, आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, तो आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा और इसको आप ध्यान से जरूर। मच्छरदानी को सुपर मच्छरदानी कैसे बनाते हैं, उसको किसी कीटनाशक इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करके। तो अगर हमारे पास नॉर्मल मच्छरदानी उपलब्ध है तो हमें आखिर उसको इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करना ही क्यों, उसका क्या यूज है? तो इसका यूज अधिकतर ऐसी जगहों पे है, जैसे कि अगर आप बाहर सोना प्रेफर करते हैं, गांव में गए हुए हैं या गांव में रह रहे हैं, जो आदिवासी इलाकों में रह रहे हैं, या फिर आपके आसपास, अब क्योंकि बारिश का सीजन शुरू हुआ है, बहुत सी जगह पे सुनने में आएगा कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और आपके आसपास ऐसा कोई एरिया है जहां पर आउटब्रेक हुआ है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया का, तो एक भी मच्छर का काटना आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। दूसरी चीज़ है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है जिस स्टेज में, जैसे कि प्रेगनेंसी में और छोटे बच्चों की, या फिर जो वृद्ध अवस्था में हैं, तो ऐसे समय में मच्छर एक दो भी काट लें तो फिर उसके बहुत भयानक रूप सामने देखने को आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में मच्छरदानी को सुपर मच्छरदानी बना लेना, उसे इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कर लेना बहुत लाभदायक हो सकता है। अगर आप अपनी साधारण मच्छरदानी से खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो ये तरीका अपना के जरूर देखिए। आइए देखते हैं कैसे हम अपनी मच्छरदानी को इंसेक्टिसाइड से ट्रीट कर सकते हैं, वो भी घर में अपने। चलिए सुपर मच्छरदानी बनाने की विधि समझ लेते हैं। उसे बनाने के लिए हमें ये सब सामान की जरूरत पड़ेगी। एक मच्छरदानी जो किसी भी साइज की हो सकती है वो हमें लेना है। फिर एक मास्क चाहिए होगा, हमें चाहिए एक प्लास्टिक का बैग जिसमें बांधने के लिए हमारे पास कुछ स्ट्रिंग हो, नहीं तो अलग से हम बांधने के लिए कुछ ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए पानी, तो पानी हमें कितना चाहिए? अगर हमारी सिंथेटिक मच्छरदानी है, जैसे आप देख रहे हैं मेरी सिंथेटिक मच्छरदानी है जो कि पॉलिस्टर या नायलॉन जिसकी भी होगी उसको सिंथेटिक बोलते हैं, तो उसके लिए लगता है आधा लीटर पानी, तो हम एक लीटर बॉटल में आधा पानी हमने लिया है तो ये आधा लीटर पानी हो गया। फिर हमें चाहिए एक पेयर ग्लव्स, गॉगल्स, और हमें चाहिए ये कीटनाशक यानी कि परमेथ्रिन, जो मैंने देखिए इस पे लिखा हुआ है, अलग से लिख दिया है परमेथ्रिन 10% ईसी 75 ml हमें चाहिए। ये हमें चाहिए अमाउंट एक मच्छरदानी को सुपर मच्छरदानी बनाने के लिए। तो परमेथ्रिन हमने यूज किया है जो कि एक सबसे माइल्ड, सबसे जिसे कहेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कीटनाशक। इसके अलावा डेल्टा मेथ्रिन, साइपर मेथ्रिन, इस तरह के और भी कीटनाशक हैं जो बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है जहां पर बहुत ज्यादा मच्छरों की मात्रा हो। हम ये परमेथ्रिन यूज कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं, ये जो परमेथ्रिन होता है ये हमें
जो बालों में जो जुम हो जाते हैं उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट यूज किया जाता है परमेथ्रिन का। स्केबीज हो जाता है, खुजली की चर्म रोग है जो, उसमें भी यूज करते हैं। तो ये बहुत पॉइजनस नहीं है, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। ये जो प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ ये WHO द्वारा इसको गाइडलाइंस के अंतर्गत ये है, तो इसको हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने प्रोटेक्टिव जो चीजें हैं वो पहन लीजिए। मास्क हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कोई भी स्प्लैश नहीं होना चाहिए, हमारे नाक में या फिर मुंह में नहीं जाना चाहिए। अब हम गॉगल्स पहन सकते हैं। ग्लव्स पहनने से पहले आप ध्यान रखें कि आपके हाथों में जो भी अंगूठी है या फिर जो भी आपने कुछ भी बैंगल्स पहने हुए हैं वो सब आप रिमूव कर दें, वरना ग्लव्स फटने के चांस रहते हैं। चलिए अब प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्लास्टिक के बैग में जो हमारे पास परमेथ्रिन का सॉल्यूशन है वो हम पूरा इसमें डाल लेंगे, और जो हमारा आधा लीटर पानी है वो भी हम इसी में डाल लेंगे पूरा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपकी मच्छरदानी कॉटन की है तो कॉटन के फैब्रिक के लिए 2 लीटर पानी लगता है, जबकि सिंथेटिक मच्छरदानी होती है तो उसके लिए हमें 1/2 लीटर पानी लगता है, चाहे साइज कुछ भी हो। अब इस मच्छरदानी को हमें इस पॉलिथीन के अंदर डालना है। और इसमें डालने के बाद इसको इसकी थोड़ी एयर निकाल दीजिए और इसे अच्छी तरह इस स्ट्रिंग से बांध लेना है ताकि इसमें कुछ लीकेज ना हो। मच्छरदानी आप एक बार इस तरह रेडी कर लेंगे तो आपकी मच्छरदानी 1 साल तक चल सकती है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से गूंथते हुए 8 से 10 मिनट तक ऐसे करेंगे ताकि ये सारा जो इंसेक्टिसाइड है ये इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आपका एरिया ऐसा है कि साल भर बहुत मच्छर रहते हैं तो फिर आपको साल में 2 बार इस मच्छरदानी को इस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। मच्छरदानी की धुलाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि 3 बार आप मच्छरदानी को धो सकते हैं ठंडे पानी और साबुन से हल्के हाथों से, और 3 से ज्यादा बार हो रहा है तो फिर आप फिर से इसको ट्रीट कर लें। तो इस तरीके से इसको पूरा अच्छे से इंश्योर करें कि मिक्स हो गया है। अब जब ये एक बार पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आप एक बार खोल के चाहे तो देख लें। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आप मॉस्किटो नेट को निकालिए और इसको बहुत टाइट नहीं निचोड़ना है, इसको हल्के हाथों से बस ऐसे दबा के आपको उसका जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है वो निकाल देना है। और ये जो मैंने जैसा शीट बनाया है उसको उसके ऊपर फ्लैट करके इसी के ऊपर हमें डाल देना है, और इसको हमें धूप में नहीं सुखाना है, छांव में सुखाना है। 1/2 घंटा ऐसे रखे रहने के बाद आप चाहें तो तार पे शेड में इसको अच्छे से पूरी तरह सुखा सकते हैं। इस तरह से मच्छरदानी को ट्रीट करते समय हो सकता है कि आपके हाथ में कुछ केमिकल लग जाए या बच्चे के हाथ में स्किन पे कुछ लग जाता है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ये बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। थोड़ी देर झंझनाहट होगी और कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा। मच्छरदानी ट्रीट करने के बाद उसमें से कुछ दिनों तक एक केमिकल की स्मेल आ सकती है, लेकिन ये भी कुछ दिनों में चली जाती है। अगर स्मेल आते हुए भी आप उसके अंदर सो रहे हैं तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि ये कुछ नुकसानदायक होगा, और ये स्मेल जब आना बंद हो जाएगी तो ये भी ना समझें कि ये अब इफ़ेक्टिव ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने पहले भी बताया ये 1 साल तक इफ़ेक्टिव रहता है। अब जो बोल
बच जाएगा। उस घोल से आप चाहें तो आप अपने घर के पर्दों को ट्रीट कर सकते हैं, अपनी खिड़कियों के पर्दों को ट्रीट कर सकते हैं। या फिर जो लोग बाहर फील्ड वर्क कर रहे हैं, सर्वे पे जा रहे हैं, सैंपल कलेक्शन इस तरह के कुछ काम करते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, तो ये लोग अपने किसी ओवरकोट को या जैकेट को या फिर किसी ऐसे कपड़े को ट्रीट कर सकते हैं इस घोल से, जो वो अपने रोज़ पहनने वाले कपड़ों के ऊपर पहन सकें और जिससे मच्छर उनके पास ना भटकें। ये एक दूसरा उपयोग है इस घोल का। ये सब करने के बावजूद अगर ये घोल बच जाता है तो आप इसे पॉटी में या फिर किसी गड्ढे में डाल दें। अगर आपको एक साथ बहुत सारी मच्छरदानियाँ ट्रीट करनी है, मान लीजिए आपको 3 मच्छरदानी ट्रीट करनी है, तो आप 3 गुना पानी ले लें और 3 गुना ये डोज सॉल्यूशन ले लें जो केमिकल इंडिया है हमने वो ले लें। कॉटन और सिंथेटिक मच्छरदानियों को एक साथ ट्रीट ना करें, अलग अलग करें, क्योंकि मैंने बताया कि इनके लिए पानी की मात्रा अलग होती है। कॉटन के लिए 2 लीटर और सिंथेटिक के लिए 1/2 लीटर पानी। मच्छरदानी तो रेडी हो गई है, अब कुछ बातें जिनका हम ख्याल रख सकते हैं। जैसे आप जब मच्छरदानी को लगाएंगे तो आप उसके आसपास कोई आग की चीज़, लाइटर, सिगरेट वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए। बच्चों से आप जो बचा हुआ लिक्विड अगर आपने बड़ी बॉटल ले ली है तो उसे आप बच्चों से बचा के रखिए, कहीं दूर रखिए। उस लिक्विड को आप सूरज से और गर्म जगह से और लाइट से दूर रखिए, किसी कूल और डार्क प्लेस में उसको स्टोर करिए। मच्छरदानी को भी आप धूप में मत छोड़िए। अगर आप खुले में सो रहे हैं, आप छत पे आपने बिस्तर लगाया है, मच्छरदानी लगाई है, तो वहाँ मत छोड़िए उसको, उठा के निकाल के अंदर रख दिया कीजिए। वो उसकी लाइफ को, इंसेक्टिसाइड की लाइफ को और बढ़ा देता है। इस मौसम में अगर आप किसी को या खुद इस्तेमाल करें या किसी को इस तरह ये मच्छरदानी प्रिपेयर करके किसी गांव में अपने स्पेशली फ्रेंड को या फिर ट्राइबल एरिया में या फिर किसी हेल्थ वर्कर को या जो वो बाहर जाते हैं जिनको वहां रुकना पड़ता है, उनकी मजबूरी है, उसको अगर आप ये गिफ्ट कर दें, इससे अच्छा तोहफा क्या हो सकता है, इससे अच्छा दान क्या हो सकता है इस मौसम में, तो ये आप कंसिडर करिए, ट्राई करके देखिए, फिर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।